हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा 23rd चैप्टर है, प्रोनाउंस, जिसके आज हम सॉल्यूशंस ऑन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपना नवनीत का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 74 और 75 देखना है। और आज हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे कि स्टूडेंट, हमने लेक्चर में लेक्चर का जो भी वीडियो था, हमने देखा था कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस हमें दिए थे, तो वो कौन से हैं। हमारे बुक में एक चार्ट बनाया हुआ है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चार्ट आप कृपया ध्यान में रखें, और इसमें जो भी पर्सनल प्रोनाउंस दिए हैं ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पर्सनल प्रोनाउंस पूछे जाएंगे तो आप इजीली इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, प्रोनाउन, बस ये चार्ट आप ध्यान में रखो। तो प्रोनाउंस जो है ये एकदम सिंपल टॉपिक है। ओके, सो देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एंड द फर्स्ट वन इज अनिता ट्राइड टू स्टडी बट शी डिड नॉट सक्सीड। ओके, सिंपल है। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, शी। ओके, नेक्स्ट द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज फ्राइटेंड, और इसमें प्रोनाउन कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, इट। ओके, चाइल्ड क्राइंग फ्राइटेंड इज नॉट अ पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट है हरि एंड साहिल आर फ्रेंड्स एंड दे लव इच अदर। सो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, दे। फ्रेंड्स, लव एंड ये प्रोनाउन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, वी अटेंडेड अ लेक्चर यस्टरडे, सो विच इज द प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज ऑप्शन नंबर 1, वी। देखा स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू विल सून सी अ रेनबो इन द स्काई, एंड द प्रोनाउन इज ऑप्शन नंबर 1, यू। नेक्स्ट वन इज सलीम कुड नॉट हेल्प हर एट ऑल, और कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, हर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। यहाँ पे हमें अभी प्रोनाउन यूज करना है। दीज क्रेयॉन्स आर नॉट डैश, माइंस, इट, माइन एंड देयर। मतलब दीज क्रेयॉन्स आर नॉट माइन होते हैं। ओके, मतलब ये मेरे क्रेयॉन्स नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है। डैश गोज टू चेन्नई रेगुलरली, हिम गोज टू चेन्नई होता है, नहीं। मी गोज टू चेन्नई होता है, नहीं। हिमसेल्फ गोज टू चेन्नई है, नहीं। लेकिन ही गोज टू चेन्नई रेगुलरली। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब है। स्टूडेंट, जब भी आप यहाँ पे ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी सेंटेंस है ये मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, सो अगर ये मीनिंगफुल होता है, तो आप समझो कि आपने जो भी प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया हुआ है, दैट इज अ परफेक्ट प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट इज वी विल डू द जॉब डैश us, ourselves, our and ourself. So यहाँ पे हम जॉब करते हैं किसके लिए, तो ourselves के लिए, हमारे लिए। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। इज दिस कैट डैश, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये आपकी कैट है। सो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, yours. इज दिस कैट yours? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आई डैश कुक्ड द एंटायर मील, आई माई सेल्फ कुक्ड द एंटायर मील। मतलब मैंने मेरे लिए ये कुक किया है, ये जो खाना है ये कुक किया है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट वन है जॉन इज इंटेलिजेंट बट डैश इज लेजी। सो हमें जॉन के बारे में यहाँ पे दिया है, जॉन इज अ बॉय, सो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, तो वो होगा ही। ओके, मतलब ये कैसे सेंटेंस होगा कि जॉन इज इंटेलिजेंट बट ही इज लेजी। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, पिक आउट द रॉन्ग नाउन एंड प्रोनाउन पेयर। इसमें हमें रॉन्ग नाउन एंड प्रोनाउन की पेयर जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। चिल्ड्रन, दे, रेनबो, इट,
वुमन शी एंड स्टूडेंट इट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रॉन्ग पेयर है वो है ऑप्शन नंबर 2 स्टूडेंट इट. ओके सो यहाँ पे स्टूडेंट एक तो हीज हो सकता है, ही इज अ स्टूडेंट और शी इज अ स्टूडेंट, इस तरह होते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन एंड नाउन पेयर. यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि करेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन की जो पेयर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. दोज बुक्स वेयर गिवन टू डैश बाय डैश, मतलब दोज बुक्स गिवन मायसेल्फ गिवन बाय ब्रदर नहीं, हिमसेल्फ गिवन बाय रोहन नहीं, दोज बुक्स वेयर गिवन टू यू बाय हर नहीं, मीनिंगफुल नहीं है स्टूडेंट. दोज बुक्स वेयर गिवन टू मी बाय सीमा, ओके सीमा ने मुझे ये बुक्स दिए हुए हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है. ओके नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है, तो यहाँ पे कैट जो है वो आगे आगे रन कर रही है और उसके पीछे जो है वो बॉय है उसके पीछे वो रन कर रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा, डैश कॉल्ड आउट टू द कैट बट डैश रैन अवे. बॉय है यहाँ पे, ओके सो सलमा ये नहीं हो सकता है. ओके बॉय कॉल्ड आउट, बॉय तो नहीं हम बोल सकते हैं, और इटसेल्फ रैन आउट ये भी गलत है, हिमसेल्फ कॉल्ड आउट ये तो गलत ही है. लेकिन हम कैसे ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट प्रोनाउन यूज करके कॉल आउट कर सकते हैं कि ही कॉल्ड आउट टू द कैट बट इट रैन अवे. ओके सो हमने यहाँ पे देखा था कि समटाइम्स इवन दो द इट प्रोनाउंस डू नॉट स्टैंड फॉर पीपल एंड दे आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस. ओके सो यहाँ पे 1 जो है वो सही जवाब है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोनाउंस डज द फॉलोइंग सेंटेंस हैव. दे वेयर हंगरी सो शी सर्व द फूड क्विकली. यहाँ पे कितने प्रोनाउन आए हुए हैं तो वो कितने देख सकते हैं स्टूडेंट, आपकी दे है, ओके फर्स्ट वन है दे एंड द सेकेंड वन इज शी. सो यहाँ पे कितने हैं, 2 प्रोनाउन आए हुए हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है, 2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये 2017 के पेपर में आया हुआ था. आई नो डैश वेल, ओके यू हिम दे देम एंड ही. सो आई नो यू वेल, आई नो यू वेल नहीं, आई नो हिम वेल नहीं, आई नो देम वेल नहीं, सो आई नो ही वेल. ओके सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है. तो देखा स्टूडेंट आपने कि ये प्रोनाउंस जो है वो बहुत ही सिंपल है, बस ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है. सो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कृपया कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, कितने गलत आए हैं और आपको ये सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है. सो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट करके बताएं. अब मुझे समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझा हुआ है, और अगर कहीं पर आपको डाउट है या कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है फिर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.